तो भाई आज की जो वीडियो है, फिर हम दोबारा आए हैं। सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया, तो आपको बता दें कि सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो अभी बस्ती जोधेवाल या ऑल ऑफ लुधियाना में कहीं पर भी आप चले जाओगे तो सर्दी के कपड़े बहुत मिलेंगे। तो आप वैसे भी अभी हम जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको देख लेना रोड के साइडों में जितने भी बंदे हैं ना, सभी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, सभी सर्दियों के लगाए हुए हैं और सभी बिल्कुल सस्ता में मिलेगा आपको और सबसे कम रेट में मिलेगा। चलिए चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा कपड़ों का लाइन, गर्म कपड़ों जैसे स्वेटर वगैरह हो गए, जैकेट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। अभी देखो भैया, जितने भी बंदे लगाए हैं साइड में जैकेट ही जैकेट लगा रखी है, और वो भी बिल्कुल आपको मिल जाएंगे 550, 600, 400 के रेंज में, वो भी अच्छा। तो पता ही है, वैसे भी आप लोगों को पता है लुधियाना में सिर्फ इसी सब का काम होता है, जैकेट वगैरह हो गई, ऑल ऑफ जितने भी कपड़े वगैरह का काम होता है, शॉल पैंट वगैरह सब यहीं से होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही सस्ता मिलेगा, लोग भी सस्ते कपड़े लेने चाहते हो तो भाई लुधियाना आओ, यहाँ पे आप बहुत सारे कपड़े खरीद के ले जा सकते हो और एक पर एक पर टाइप जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी ले जा सकते हो। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं बस्ती चौक पे, और ये है बस्ती चौक। ये पुल के नीचे ना भाई बहुत ही ज़्यादा जाम होता है, क्योंकि सब जगह से यहाँ पे बाइक गाड़ी आती है, तो यहाँ पे तो जाम तो ऑल ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक है। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, ओ भाई ये क्या हुआ, लगी नहीं। ऊपर जब बस्ती चाहते हो ना, तो वो देखो ऊपर लिखा मत्तेवाड़ा, ये पूरा आपको चल जाएगा ये रोड मत्तेवाड़ा। सबसे पहले आएगा मेहरबान चुंगी, उसके आगे चले जाओ। आज की वीडियो बस यहीं तक था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आपको बाकी सब कुछ उधर को बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। और क्या कहते हैं कि आपको कोई भी और जानकारी लेनी हो लुधियाना के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई क्या चीज़ के बारे में पूछना है, नहीं पूछना, बाकी मैं वहीं पर आपको बता दूँगा। थैंक यू।